हेलो एवरीवन, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि प्लस टू लेवल पे भी है और बी फॉर्म के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर में भी है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है एल्डोल कंडेंसेशन, पहले वो देखते हैं। जब डेफिनेशन देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का, तो वो ये है कि एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन टू सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ सेम एल्डिहाइड और कीटोन इन सच ए वे, मतलब कि एक एल्डिहाइड सेम दूसरे एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच करेगा दूसरे एल्डिहाइड के, मतलब दोनों एल्डिहाइड सेम होना चाहिए और अगर कीटोन है तो दोनों कीटोन सेम होना चाहिए, ठीक है। और वो कॉम्बिनेशन जो होगा, दोनों का एडिशन जो होगा, वो इस तरीके से होगा कि अल्फा कार्बन ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल बिकम्स अटैच टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल, कि अल्फा कार्बन एक मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा और इसकी वजह से बनेगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं। इसी रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है। तो डेफिनेशन तो ये है। अब अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ प्रोपियोनल डिहाइड है, ये भी वही है और ये भी प्रोपियोनल डिहाइड है। ये जो दो मॉलिक्यूल आपस में एडिशन दोनों का जो होगा, दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में वही है, ये दोनों सेम होना चाहिए। अब डेफिनेशन में क्या बोला गया कि एडिशन जो हो रहा है अल्फ़ा कार्बन ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब ये सोच लो, ये पहला मॉलिक्यूल है तो इसका जो अल्फ़ा कार्बन होगा, अब ये हो गया, यहाँ पर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है तो इससे एडजेसेंट में जो कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ठीक। अब ये जो अल्फ़ा कार्बन है ये अटैच होगा कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल। ये सेकेंड मॉलिक्यूल है, इसका कार्बोनिल कार्बन ये है, ये कार्बोनिल ग्रुप है CO ग्रुप और ये उसका कार्बोनिल कार्बन है। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये अटैच होता है इस अल्फ़ा कार्बन से, ठीक है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर हो भी रहा है। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो COH वैसे का वैसा ही है, COH वही है। अब ये अल्फ़ा कार्बन था, ये अल्फ़ा कार्बन, देखिए ये अल्फ़ा कार्बन, इस अल्फ़ा कार्बन से ये CH3 अटैच था, ये देखिए CH3 है, CH अटैच था, ये CH है, एक H जो है इस अल्फ़ा कार्बन से ये आकर इस कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हटा और ये OH बन गया, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक। अब यहाँ जो कार्बन है उसमें एक और बॉन्ड बना सकता है, तो ये कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। देखिए यहाँ CH3 CH था, अब ये कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ये जो डबल बॉन्ड ओ था वो OH हो गया, सिंगल बॉन्ड OH हो गया और उसके बाद CH2 CH3 CH2 CH3 वैसे का वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड एक्चुअल में इस तरीके का है। अब यहाँ पर ये जो आपका ये जो बॉन्ड है वो यहाँ ऐसा इस तरीके का बन रहा है, इस कार्बन से इसमें, और ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड टूटता है वहाँ पर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी है। अब ये एल्डिहाइड था वैसे ही ये कीटोन है। अब कीटोन में देखिए ये एसीटोन है, ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है, CH3 CO CH3, यहाँ पे भी CH3 CO CH3। अब ये जो CH3 है इसमें ये CH2H बोल दिया गया, ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें होता ये है कि ये देखिए यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जो कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन है, ठीक। अब ये जो अल्फ़ा कार्बन है ये इस कार्बोनिल कार्बन पे आकर अटैच होगा और अल्फ़ा कार्बन का एक हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन से अटैच होता है, तो ये OH बन जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो इस कार्बन पे एक बॉन्ड बनाना और मीन्स वहाँ वैकेंसी हो जाती है तो वो एक और बॉन्ड बना सकता है, तो ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाता है। अब देखिए CO CH3 यहाँ पर है, देखिए CO CH3 यहाँ पर है, ठीक। अब ये जो अल्फ़ा कार्बन था वो CH2 है, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है वो तो यहाँ आ गया तो ये CH2 हो गया। अब ये जो कार्बन है ये कार्बन ये वाला है, ठीक है, ये कार्बन, अब इससे ये देखो जो डबल बॉन्ड ओ था वो सिंगल बॉन्ड OH हो गया और
इस कार्बन से एक CH3 इधर, एक CH3 इधर था। देखिए ये कार्बन से एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, तो अटैचमेंट वैसा ही हो रहा है। ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक। तो यहाँ पे ये एडिशन ये हुआ इन दोनों कार्बन का। तो इसी तरीके से जो रिएक्शन होता है इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है। अब इस रिएक्शन को और अच्छे से समझने के लिए कि ऐसा एडिशन होता क्यों है, उसको जानने के लिए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देखते हैं। जब मैकेनिज्म हम देखते हैं तो इसमें जो रिएक्शन स्टार्ट होता है वो एक्चुअल में बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। बेस जो है वो एज कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पर। तो पहला स्टेप जो है वो क्या है कि जो बेस है वो एक अल्फ़ा हाइड्रोजन को रिमूव करता है और उसकी वजह से कार्बो एनायन फॉर्म होते हैं। अब जैसे सपोज़ ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, सॉरी ये मिथेमल डिहाइड है, ये आपका एसिटल डिहाइड है, ठीक है, CH3CHO। अब ये CH3CHO में ये आपका फंक्शनल ग्रुप है CHO, ठीक। अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो उससे अटैच जो कार्बन है वो आपका अल्फ़ा कार्बन हो गया, ठीक। अब इस अल्फ़ा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। तो ये जो बेस होता है वो बेस जो है इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को अपनी तरफ लेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक। तो यहाँ पे H प्लस निकला और ये OH माइनस से कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, CH2 माइनस हो गया। देखिए CH2 माइनस CH2 CHO वैसे का वैसा ही है और यहाँ CH3 था तो ये CH2 हो गया और ये माइनस, तो ये कार्बोएनायन फॉर्म हो जाता है। अब ये जो कार्बोएनायन है वो दूसरा जो एक मॉलिक्यूल है फिर से ऐसा, क्योंकि एल्डोल में तो दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में एडिशन हो रहा है, अगर ये एसिटल्डिहाइड है तो दूसरा ये देखिए आपका फिर से एक आया एसिटल्डिहाइड, ये एसिटोन नहीं है, एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये एसिटल्डिहाइड जो है दूसरा मॉलिक्यूल वो अब इस कार्बोएनायन से कंबाइन करेगा। तो ये जो कार्बोएनायन है, इस कार्बोएनायन का जो ये कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, ये अल्फ़ा कार्बन इस ये दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसके कार्बोनिल कार्बन से अटैच होगा। अब ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर आएगा आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में क्या था, अब ये देखिए ये एज माइनस चार्ज है, मतलब एज न्यूक्लियोफाइल ये वर्क कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज जहाँ आता है वहाँ पे अटैक करता है। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बोनिल कार्बन में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, ये जो बॉन्ड डबल बॉन्ड है वो जब टूटेगा तो यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे आएगा तो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया तो ये जो आपका कार्बोएनायन है वो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पे आकर अटैच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस और जो माइनस चार्ज है वो प्लस के पास अट्रैक्ट होगा। तो ये जो आपका कार्बोएनायन है, तो कार्बोएनायन का जो ये कार्बन था अल्फ़ा कार्बन, इसी पे तो माइनस चार्ज आया है ना, क्यों, क्योंकि इस कार्बन ने ही अब हाइड्रोजन को लूज़ किया है, ठीक है, H प्लस को लूज़ किया, तो कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया था। तो ये जो कार्बन पे माइनस चार्ज आया वो इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज आया ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो ये कार्बन, कार्बोनिल कार्बन का ये कार्बन और यहाँ जो कार्बोएनायन है इसका जो अल्फ़ा कार्बन है, ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो गया और बॉन्ड फॉर्म होने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया। तो ये था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में देखिए ये जो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया है इस ऑक्सीजन पे, अब वो जो वाटर मॉलिक्यूल बना था उस वाटर मॉलिक्यूल से H प्लस एक निकलेगा और ये यहाँ पर H प्लस इस ऑक्सीजन पे आकर अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ OH बन गया है, ठीक है, इसको एल्डोल बोलते हैं, ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको एल्डोल बोला जाता है। तो इस तरीके से ये एल्डोल बना और ये OH माइनस जो आपका कैटलिस्ट था, स्टार्टिंग में भी OH माइनस था, यहाँ पे भी ये OH माइनस कैटलिस्ट जो है वो
फिर से बाहर चला जाता है। तो इस तरीके से एल्डोल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो अल्फा कार्बन था उस वो बॉन्ड बना रहा है इस कार्बोनिल कार्बन से, तो वो इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये था एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है, इसका एक एप्लीकेशन भी है कि ये जो एल्डोल कंडेंसेशन होते हैं, ये सिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड एल्कोहल्स में बहुत यूज़फुल है। अब ऐसा कैसे होता है? अब ये देखो, एक एग्ज़ाम्पल है CH3CHO, दो मॉलिक्यूल हैं इसके, ठीक है, तो दो मोल हैं। अब इसका जब रिएक्शन होगा तो एल्डोल बनेगा, CH3CHOH, ये जो O था वो OH, फिर CH2OCHO, इस तरीके से एल्डोल बनता है। ये हमने देख लिया यहाँ पर एल्डोल कैसे बना, ठीक है। देखिए CH3CHOH CH2CHO, वही चीज़ यहाँ पर है। तो ये जब प्रोडक्ट बनता है, इसमें से फिर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? अब ये जो देखो यहाँ पर, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और इस कार्बन पे ये जो OH है, ये OH निकलेगा। तो ये OH और यहाँ से एक H, ये दोनों निकला, तो यहाँ पे CH बचा और यहाँ पे भी CH बचा, तो इन दोनों के बीच में एक और बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ये 2-ब्यूटिनल बन गया, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना। फिर अब इसका रिडक्शन होगा निकिल के प्रेजेंस में, निकिल के प्रेजेंस में रिडक्शन होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होंगे इन दोनों कार्बन पे। देखिए CH3CH2CH2CHO, अब यहाँ पे CHO जो था वहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे CH2 फिर OH आ जाएगा, तो ये आपका ब्यूटाइल एल्कोहल फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से जो एल्डोल कंडेंसेशन है, उसका एक एप्लीकेशन है कि हम सैचुरेटेड एल्कोहल्स भी फॉर्म कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये था एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो है, उसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जो दो मॉलिक्यूल के बीच में एडिशन हो रहा है, वो दोनों मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए, या तो वो दोनों एल्डिहाइड होने चाहिए या तो वो दोनों कीटोन होने चाहिए। देखिए ये एल्डिहाइड है तो ये भी सेम एल्डिहाइड है, प्रोपेनल्डिहाइड है तो ये भी प्रोपेनल्डिहाइड है, यहाँ देखिए ये एसीटोन है तो ये भी एसीटोन है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, और एक मॉलिक्यूल का अल्फ़ा कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन से अटैच होते हैं, तो इसी को एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये था एल्डोल कंडेंसेशन। अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।